थैंक यू। लो बच्चों चलो स्टार्ट करें बेटा। सीएस एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेक्स्ट टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। टॉपिक बहुत आसान है बेटा, एक बार टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बर्ड आई व्यू पूरे टॉपिक में है क्या फटाफट से एक 5 मिनट में देखते हैं, उसके बाद कोर टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। बोर्ड पर ध्यान देना बेटा सभी ने, जो कुछ लिख रहे हो आप लोग भी लिख लो फटाफट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 वर्ड बोलते ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 की आपको याद आ जानी चाहिए बेटा। टॉपिक और कुछ नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है। क्या बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर करना क्या इस टॉपिक में? कुछ नहीं बेटा, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट ने बिजनेस में जितनी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड एक्टिविटी है। बच्चों मैंने क्या बोला? कैश एंड, बोलो मेरे साथ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा कैश तो और किसको मालूम है? कैश बैंक। कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या? कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, बराबर है क्या? ये सब क्या है आपके? कैश इक्विवेलेंट है, हाँ या ना? सर मतलब क्या रहता? ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड असेट्स है। ये वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आप जब चाहो तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसमें जो रिस्क होती है वो नियर अबाउट जीरो होती है, बराबर है? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड असेट, बराबर। तो उन्हें भी हम लोग कैश इक्विवेलेंट यानी कैश के बराबरी का ही ट्रीट करते हैं, समझ में आ रहा बेटा? सो आपके बिजनेस में जितनी भी कैश और कैश इक्विवेलेंट रिलेटेड एक्टिविटी है, बट फिर से बोल रहा बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रिलेटेड एक्टिविटी है, उन सारी एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे हैं। सर क्यों कर रहे हैं अभी बता दो बेटा। पहली एक्टिविटी रहेगी ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। दूसरी रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी रहेगी बेटा आपकी फाइनेंस एक्टिविटी। तीसरी कौन सी रहेगी? फाइनेंस एक्टिविटी। मतलब मैंने क्या किया, बिजनेस के सारी एक्टिविटी को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस एक्टिविटी, मतलब आपके बिजनेस में जितने भी कैश बैंक कैश इक्विवेलेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उन सारे ट्रांजेक्शन को ये 3 एक्टिविटी में क्लासीफाई कर दिया। क्योंकि देखो आप वैसे भी सभी लोग कैश बैंक अकाउंट तो बनाते ही हो, मतलब यहाँ पे ये कैश बैंक अकाउंट बना लिया तो इसमें भी सारी कैश बैंक रिलेटेड एक्टिविटी और कैश कैश बैंक और कैश इक्विवेलेंट रिलेटेड एक्टिविटी तो हम लोग अकाउंट बना के तो कवर करते ही है, लेकिन इसमें सब मिक्स है, मतलब इसमें ऑपरेटिंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है और फाइनेंस एक्टिविटी भी है, तीनों भी है, तो खिचड़ी हो गई। हमें समझ नहीं आ रहा है कि बिजनेस में कौन से एक्टिविटी की वजह से कितना पैसा आ रहा है। मतलब ये जो आप कैश बैंक अकाउंट बनाते हो ना, इसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस, सारी एक्टिविटी से रिलेटेड कैश बैंक का इनफ्लो आउटफ्लो दिख रहा है, बराबर है? क्योंकि बच्चा सोचेगा कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में हम लोग कैश बैंक और कैश इक्विवेलेंट रिलेटेड एक्टिविटी का ही तो हिसाब किताब रख रहे हैं, तो फिर कैश बैंक अकाउंट की जरूरत क्या थी, ये तो बना ही रहे। तो बता दो बेटा, कैश बैंक अकाउंट आपने जो बनाया उसमें जो भी एक्टिविटी है, सारी एक्टिविटी रिलेटेड कैश बैंक का जो भी इनफ्लो आउटफ्लो है वो सब एक ही अकाउंट में दिख रहा है, मिक्सचर हो गया है, खिचड़ी हो गई है। तो ये कैश बैंक अकाउंट देखते ही कोई एंटरप्राइज के कैश परफॉर्मेंस के बारे में ठीक से बात नहीं कर सकता। अगर आपके सामने सिर्फ कैश बैंक अकाउंट है, मैं कौन से परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ? कैश परफॉर्मेंस, कैश परफॉर्मेंस, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, ये मुझे समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ इतना समझ में आ जाएगा कितना कैश आया कितना कैश गया, और अगर आपको ये जानना है कि कौन से एक्टिविटी की वजह से कितना कैश आया तो आपको डिटेल में एक 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 आइटम को देख करके पढ़ना पड़ेगा, फिर से आगे और एनालिसिस करना। तो ऐसा समझो कैश बैंक अकाउंट की जो आइटम है उन्हीं का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और उसके साथ साथ कैश इक्विवेलेंट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मतलब बिजनेस में जितनी भी कैश और कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटी है सारी एक्टिविटी को मैंने क्या किया? क्लासीफाई कर दिया। सर इससे क्या हो जाएगा? क्लासीफाई करने से मुझे समझ में आ जाएगा बिजनेस के जो ऑपरेशन है उससे कितना कैश आ रहा है, बिजनेस के जो ऑपरेशन है उससे कितना कैश जा रहा है, बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है उससे कितना कैश आ रहा है जा रहा है, और फाइनेंस एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है और जा रहा है। मैं लेक्चर होते ही देता हूं बेटा। सो आपको तीनों एक्टिविटी से समझ में आ जाएगा कितना कैश का इनफ्लो है कितना आउटफ्लो है, और वो भी कैसे समझेगा? सेपरेट सेपरेट समझ में आ जाएगा। अच्छा इसमें से सबसे सबसे जो मेन एक्टिविटी है, सबसे जो ज्यादा जिसका मतलब बिजनेस का परफॉर्मेंस जिसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब अगर किसी बिजनेस का आपको कैश परफॉर्मेंस जज करना है
किसी बिजनेस का आपको कैश परफॉर्मेंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, किसी बिजनेस का अगर कैश परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस जज करना है तो आपने कौन सी एक्टिविटी देखना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एक्टिविटी नहीं। अगर किसी बिजनेस के ऑपरेशंस, किसी बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है, अगर ऐसा पूछा है, शब्दों की तरफ ध्यान देना, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी मतलब कौन सी है? ऑपरेटिंग। किराना दुकान वाले का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? किराना दुकान का माल बेचना या प्रॉपर्टी खरीदना बेचना? किराना दुकान का माल खरीदना बेचना, वो उसका मेन सोर्स है, मेन परफॉर्मेंस है, ऑपरेशन है। सो किसी बिजनेस का कैश परफॉर्मेंस अगर आपको जानना है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपने देखना जरूरी है। कैश बैंक अकाउंट आप देखोगे तो उससे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कैश बैंक में तो आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस तीनों एक्टिविटीज रिलेटेड, कैश बैंक का प्लस माइनस सब एक साथ खिचड़ी होके, मिक्सर होके, यानी भेल मुरमुरे, चटनी, छेंगदाना, खरमुरा सब एक साथ आ गया, नहीं समझ में आएगा आपको। समझ में आ रहा है? तो बस हमने क्लासिफाई किया है। और दूसरा, ये हिस्टोरिक इन नेचर है, शब्दों की तरफ ध्यान देना, अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये क्या है? हिस्टोरिक इन नेचर। सर हिस्टोरिक इन नेचर मतलब आप लोग जानते हो, मतलब इसमें हम लोग इतिहास लिख रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे, जो पास्ट में हो गया बस उसी को अलग फॉर्मेट में लिख रहा हूं। मतलब यहां पे सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो रहा है, ऑलरेडी जो ट्रांजेक्शन हो गए उन्हीं को बस मैं क्या कर रहा हूं, एक फॉर्मेट में लिख रहा हूं, हिस्टोरिक इन नेचर। सर ये अच्छी बात है या बुरी बात है? लिमिटेशन है। एक और इसका लिमिटेशन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये एक पीरियोडिक स्टेटमेंट है, ऑलरेडी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो चुके हैं बस उन्हीं को मैं अलग फॉर्मेट में लिख रहा हूं। सर क्यों लिख रहे? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैश परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। क्या बोला मैंने? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैश परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बरोबर है। हिस्टोरिक इन नेचर है, पीरियोडिक स्टेटमेंट है। सर पीरियोडिक मतलब कोई पर्टिकुलर ईयर का, कोई पर्टिकुलर पीरियड का हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? जैसे आपको बोला 17-18 का कैश फ्लो, तो 17 में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, 17-18 में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, और बीच में क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ या ना? एक और इसका लिमिटेशन है, ये सिर्फ कैश आइटम को ही कंसिडर करता है। मतलब इसने आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन की मदर सिस्टर कर दी। कौन सा बोलो? अक्रूअल। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इनकम मिलो चाहे ना मिलो, इनकम मिलो चाहे ना मिलो, उस इनकम का अकाउंटिंग करना है। मतलब उधारी वाले ट्रांजेक्शन भी आते हैं ना उसमें, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ओनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन। मतलब ये अक्रूअल अजम्पशन, अक्रूअल कॉन्सेप्ट, अक्रूअल नाम का फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कैश फ्लो स्टेटमेंट अक्रूअल ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और अक्रूअल में कैश और क्रेडिट दोनों आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओनली रिलेटेड टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आया बेटा बात सभी को? सिंपल है, लॉजिकल है, मतलब ये अक्रूअल फॉलो नहीं कर रहा है। ये सब इसके लिमिटेशंस है। और एक लिमिटेशन है इसका, बताओ क्या? ये सिर्फ कैश आइटम को कंसिडर करता है, ये नॉन कैश आइटम को कंसिडर नहीं कर रहा है। कोई मुझे एग्जाम्पल दे पाएगा क्या, नॉन कैश आइटम कौन से है बेटा? नॉन कैश आइटम कौन से? लिखते जाओ साइड में, जो भी मैं बोलू ना, अभी तक जो भी 5-6 एमसीक्यू डिस्कस हुए बेटा सब लिख लो। नॉन कैश आइटम को कंसीडर नहीं करता है। कोई मुझे बताएगा नॉन कैश ट्रांजेक्शंस कौन कौन से? हाँ, आउटस्टैंडिंग इनकम, और कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन? अच्छा देखो जरा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं बच्चों, प्लीज ध्यान देना। ए बच्चों, अच्छा सवाल पूछने से पहले एक बार बता देता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, फाइनेंस में क्या आएगा, फिर फटाफट से सभी ने जवाब देना। एकदम नए सवाल है, कोरे कोरे, ओवन फ्रेश, अभी अभी आए बेटा सारे। देखो अच्छे से ध्यान देना, ऑपरेटिंग में आपका क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, लिख लो फटाफट से, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। ये सब कहां पे आ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और क्या आएगा इसमें बोलो? एंड और कौन सी एक्टिविटी? एक्टिविटीज जो कि इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस नेचर की नहीं है।
एंड द एक्टिविटीज अदर देन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, यानी रेसिड्यूअल एक्टिविटी। देखो बच्चों, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं बेटा, बिजनेस की सारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटीज को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। बिजनेस की सारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, सब बोलो बेटा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस। तो उसमें सबसे पहली एक्टिविटी कुछ नहीं, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, फॉर्मेट पता होगा बेटा लेक्चर के आखिर में या नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेट देखेंगे। क्या है बेटा, यहां पे बस एक स्टेटमेंट बनाना है, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी लिखना है, उसके बाद ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस नेट चेंज तीनों का इज इक्वल टू क्लोजिंग, और वो क्लोजिंग आपके बैलेंस शीट के क्लोजिंग के साथ टैली होना चाहिए। अभी जो मैंने बात बोली काफी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, जब स्टेटमेंट बनाएंगे तब देखेंगे। तो एक स्टेटमेंट है ए बी सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, तीनों एक्टिविटी का आपने लिखना है, और उसका नेट चेंज प्लस माइनस, इनफ्लो है तो प्लस, आउटफ्लो है तो माइनस, नेट चेंज आउटर कॉलम में लिखते रहना है, एकदम दूध पीता बच्चा भी करेगा। तो उसमें जो सबसे पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या क्या आने वाला है, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। सो दीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे किराना शॉप है, उसने अकाउंटिंग करने के लिए कंप्यूटर परचेस किया है, अकाउंटिंग करने के लिए कंप्यूटर परचेस किया, तो वो कहां पे आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट में। किराना शॉप वाले ने माल परचेस किया, कहां पे आ जाएगा, ऑपरेटिंग में। माल सेल किया, ऑपरेटिंग, उधारी में माल बेचा, ऑपरेटिंग, जो डेटर को उधारी में माल दिया था उससे पैसा आ गया, ऑपरेटिंग। समझ में आ रहा है क्या, उधारी में माल खरीदा, ऑपरेटिंग, क्रेडिट परचेस, और वो क्रेडिटर को जिससे उधारी माल लिया था, वो क्रेडिटर को, ट्रेड क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, ये भी ऑपरेटिंग। समझ में आ रहा है क्या, सर एक बार बता दो ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा, ये तो मीनिंग समझ में आया बेटा सभी को। सो ऑपरेटिंग में क्या क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज एंड वो एक्टिविटी जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस नहीं है, यानी अदर देन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एक्टिविटी, ऑल रेसिडुअल एक्टिविटी कवर्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आया ना पक्का, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा देता हूं बेटा सभी को, लिखो फटाफट से एग्जाम्पल, हाँ जल्दी जल्दी से लिखना सभी ने। परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड डेटर्स, कैश पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स। समझ में आ रहा है क्या, सैलरी पे किया, प्रिंटिंग स्टेशनरी चार्जेस पे किया, बराबर है, सैलरी देना बाकी है, बोलो कहां पे, कौन सी एक्टिविटी में आएगा बेटा, गलत, आएगा ही नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सैलरी देना बाकी, बाकी का अर्थ होता है पेबल, पेबल मतलब नॉन कैश आइटम है, अरे पेबल मतलब दिया नहीं, उसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट आया ही नहीं। और अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक सबसे बड़ी दुविधा क्या है, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉन कैश आइटम को कंसिडर नहीं करता है, उधारी वाले ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आते, आप सुने नहीं पूरा, सैलरी पेबल आएगा ही नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। समझ में आ रहा है बेटा सभी को, सैलरी पेड आएगा, सैलरी पेड आएगा, सैलरी पेबल कैश फ्लो में आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है, देना बाकी है। जहां पे कैश और कैश इक्विवेलेंट का ऑन इधर साइड इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो रहा है, वो ही आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका अक्रूअल कौन से फॉलो नहीं करता है, यहां पे सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट रिलेटेड आइटम का ही आपने प्लस माइनस देखना है। सो सैलरी पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एनी एक्सपेंस पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड ऑपरेटिंग, एनी एक्सपेंस पेएबल कुछ भी नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं, क्योंकि लिमिटेशन है इसकी, ये नॉन कैश आइटम को कंसिडर नहीं करता है। क्लियर है बेटा सभी को, डोंट वरी, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे बेटा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या आ जाएगा बेटा, एक्टिविटी जिसकी वजह से असेट्स में कुछ तो प्लस माइनस हो रहा है,
मतलब असेट रिलेटेड एक्टिविटी, असेट खरीदा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, असेट सेल किया इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। शॉर्टकट शॉर्टकट में लिख लो, पूरा डिटेल में लिखना है, सारी चीजें नोट्स में दी है बेटा, सारी चीजें नोट्स में दी है, सब लिखते बैठेंगे तो शाम यही हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ शॉर्टकट में लिखना है एग्जाम के समय रिवाइज करने के लिए। बोलो बेटा फिर यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट में अपने कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, एंटरप्राइज ने कंप्यूटर परचेस किया, किराना शॉप वाले ने कंप्यूटर परचेस किया अकाउंटिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कंप्यूटर सेल किया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कैश इनफ्लो। कंप्यूटर परचेस किया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो के लिए क्या लिखोगे? माइनस। सेल किया असेट, इन्वेस्टमेंट सेल किया प्लस। किराना शॉप वाले ने रिलायंस कंपनी के शेयर परचेस किए और हम लोग उसका, उस एंटरप्राइज का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे थे। डोंट वरी, प्रोप्राइटरी फॉर्म नहीं है किराना शॉप, यहाँ पे कंपनी है डीमार्ट, बहुत बड़ा किराना ही तो है ये भी। समझ में आ रहा है क्या? सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दूसरे किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए। कौन सी एक्टिविटी है बेटा? शेयर्स परचेस किए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अदर एंटरप्राइज, अदर कंपनी है ना, शेयर सेल कर दिए, इन्वेस्टमेंट। अच्छा जो मैं पूछ रहा हूँ सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? डिबेंचर्स परचेस किए है दूसरे कंपनी के, देखो थोड़ा सा आपको अगर चेहरा ऐसा माथे पे शिकंज लाके पूछ लिया था फट से चेंज हुआ, तो ये भी इन्वेस्टमेंट है। मैंने डिबेंचर परचेस किए, मेरा लोन थोड़ी है, मैंने लोन दिया है कंपनी को, आई एम द डिबेंचर होल्डर। सो किसी दूसरे कंपनी का डिबेंचर खरीदो, किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीदो, किसी दूसरे कंपनी का बॉन्ड खरीदो, किसी दूसरे कंपनी का कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदो, वो मेरे लिए तो असेट है ना। जो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया उसके लिए लायबिलिटी है। कुछ समझे क्या? सो डिबेंचर्स परचेस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, शेयर्स परचेस ऑफ सम अदर कंपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, डिबेंचर सेल कर दिया इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इनफ्लो। थोड़ा समझो, इंस्टीट्यूट जानबूझ के ऐसे वर्डिंग यूज करेगी आपका आंसर फट से चेंज हो जाएगा, तो चेंज नहीं होना चाहिए। बोल बेटा किसका? असेट का डिप्रिसिएशन। आ एक मिनट, आप जवाब दो, असेट का डिप्रिसिएशन हुआ 10,000 से, बोलो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? वेरी गुड, आएगा ही नहीं, नॉन कैश आइटम। अभी बोला थोड़ी देर पहले डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम। चल मैं तुझे अगला सवाल पूछता हूं, गुडविल 10 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ की गुडविल अमोर्टाइज कर दिया, नॉन कैश आइटम। सो अमोर्टाइजेशन नॉन कैश आइटम, डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम। समझ में आ रहा बेटे सभी को? पक्का? अरे हाय है ना, नॉन कैश आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आते यार, इसका नाम ही क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का फ्लो हो रहा है तो ही यहां पे आएगा, नहीं तो यहां पे नहीं आएगा। सर ये तो गलत बात है। हाँ गलत बात है, इसीलिए नॉन कैश आइटम नहीं आते, ये इसका क्या बन गया? लिमिटेशन बन गया, डिसएडवांटेज है। डोंट वरी, लिखा हुआ है नोट्स में सब। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, हम लोग कहाँ थे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पे। बेटा कंपनी ने फर्नीचर परचेस किया है ऑफिस में यूज करने के लिए, एम्प्लॉय के लिए, जो एम्प्लॉय को कंपनी सैलरी दे रही है उन एम्प्लॉय को कंफर्टेबल ऐसा बैठने के लिए फर्नीचर परचेस किया। बोलो बेटा कौन सा एक्टिविटी है? कौन सा एक्टिविटी है बेटा? दे देना, किस किस को नोट से मिला प्लीज ले लो बेटा। हाँ जा बिंदा जा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो बेटा, ये हमारे प्रसाद भैया है, नोट देते हैं सभी को। हाँ बेटा, वो फर्नीचर खरीदा एम्प्लॉय को बैठने के लिए जिसको कंपनी सैलरी देती है ना, वो एम्प्लॉय के लिए कंपनी ने फर्नीचर परचेस किया। बोलो बेटा कौन सा एक्टिविटी रहेगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब जान पूछ के यहाँ पे इंस्टीट्यूट सैलरी वर्ड यूज करेगी, एम्प्लॉय सैलरी बोला तो बच्चे को लगता है ऑपरेटिंग है क्या? नो, यहाँ पे मेन एक्टिविटी क्या है बेटा? यहाँ पे फर्नीचर परचेस किया है तो कौन सा रहेगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी रहेगा? इन्वेस्टमेंट। अच्छा देखो, वो फर्नीचर परचेस किया। अच्छा देखो, एक नया एग्जांपल दे रहा हूं। कंपनी ने क्या किया? प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया 10 करोड़ रुपए का, मशीनरी परचेस, और कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए हैं। सोच समझ के जवाब देना, शेयर्स इशू किए हैं, मशीनरी परचेस कर लिया, शेयर्स भी इशू कर दिए, कितनी कितनी एक्टिविटी में क्लासिफाई होगा? कंपनी ने मशीन परचेस किया और बदले में क्या दिए? शेयर्स इशू किए, कंपनी के लायबिलिटी साइड में दिख रहे शेयर्स। बोलो कौन कौन से एक्टिविटी में क्लासिफाई होगा बेटा? इन्वेस्टमेंट। हाँ, किधर इच नहीं आएगा? नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। अरे आप कैसे भूल जाते हो यार दो दो मिनट में? अरे नॉन कैश ट्रांजेक्शन है ना, इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चेंज हुआ बताओ? इंस्टीट्यूट जान पूछ के आपको ऐसे सवाल पूछे कि कौन कौन से एक्टिविटी में, तो आंसर इज नॉन, एक भी एक्टिविटी नहीं आएगी।
समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे कोई आएगा नहीं, बोलो कैश एंड, आप भूल रहे हो बार बार, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, आपके दिमाग में अभी भी अकाउंटिंग चल रही है, थोड़ी देर के लिए अकाउंटिंग को साइड में रखो, इसकी लिमिटेशन है। कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या चेंज हुआ यहां पे? कोई चेंज नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? आया ना? तो ये कोई भी एक्टिविटी में नहीं आएगा, अगेन लिमिटेशन है। डोंट वरी, लिखने का काम नहीं, नोट्स में लिखा है सब, है ना सर? ये एग्जांपल ऐसा लिखा है क्या, फालतू बात कर रहे हो आप? हाँ ऐसा एग्जांपल भी लिखा हुआ है, इसीलिए पूछा आपको। डन, उसके बाद आगे चलते बेटा। सो शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता है। डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन, देखो आपको है ना इशूड चक्कर दिलाने के लिए क्या करेगी, मशीनरी परचेस, इन्वेस्टमेंट किया दूसरे कंपनी के शेयर्स में, और आखिरी में धीरे से लिखा रहेगा बदले में अपने शेयर्स इशू किए, तो ये अदर देन कैश है ट्रांजेक्शन, ये नहीं आएगा। अब आपको क्लियर हुआ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा? पक्का चलो आगे। उसके बाद फाइनेंस एक्टिविटी में कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में जो कुछ चेंज हो रहा है, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में जो कुछ चेंज हो रहा है, जिस एक्टिविटी की वजह से चेंज हो रहा है, वो सारी कौन सी एक्टिविटी रहेगी? फाइनेंस एक्टिविटी। कंपनी ने मार्केट में शेयर्स इशू किए, लिख लेना बेटा एग्जांपल साथ साथ लिख लो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, तो ही आएगा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश नहीं आएगा। समझ में आया बेटा? ये सारे एमसीक्यू रहेंगे बेटा आपके। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, फाइनेंस एक्टिविटी। कंपनी ने इक्विटी शेयर्स बायबैक कर लिए, फाइनेंस एक्टिविटी। इक्विटी शेयर्स बाय किए, इक्विटी शेयर्स बाय बैक किए, एक वर्ड का फर्क है। इक्विटी शेयर्स बाय किए तो पक्के में दूसरे कंपनी के शेयर्स बाय किए होंगे। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इक्विटी शेयर्स बाय बैक किए, पक्के में बाय बैक मतलब खुद ही के शेयर्स वापस खरीदे, तो फाइनेंस एक्टिविटी। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स म्हणजे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, एंड बाइंग इक्विटी शेयर्स म्हणजे इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। बाय बैक और सिर्फ बाय, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है क्या? तो ठीक से पढ़ना, बाय बैक है कि बाय है, समझ में आ रहा है? तो उसके बाद में कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए, फाइनेंस एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, फाइनेंस। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किया, फाइनेंस। डिबेंचर इशू किया, फाइनेंस एक्टिविटी। डिबेंचर्स रिडीम किया, फाइनेंस एक्टिविटी। समझ में आ रहा है क्या? कंपनी ने 10 करोड़ रुपए कैश अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, कैश, कैश है, कैश इक्विवेलेंट है। कंपनी ने 10 करोड़ रुपए कैश अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, आउटफ्लो हुआ है कैश का, कौन सी एक्टिविटी है? अरे कैसे बच्चे रहे? मैं मतलब हंस दिया तो कोई एक्टिविटी नहीं क्या? आप जज कर रहे हो, जजमेंटल नहीं बनना है, दिमाग लगाओ बेटा। हाँ बोलो, कंपनी ने कैश डिपॉजिट किया है अपने बैंक अकाउंट में, कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, कि नन ऑफ द अबव? क्यों? वेरी गुड बेटा, अपने ही एक पॉकेट से अपने दूसरे पॉकेट में पैसा रखा, ये कोई एक्टिविटी थोड़ी है। कैश भी कंपनी का था, बैंक अकाउंट भी कंपनी का था, समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? कंपनी ने क्या किया? देखो देखो अगला सवाल। सो कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अपने एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में डाल रहे हो ना आप, बाहर थोड़ी जा रहा कहीं। तो कंपनी ने बैंक से पैसा विड्रॉल किया, ये भी कहीं पे नहीं आएगा। पैसा विड्रॉल करके कैश किया बिजनेस में, ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अरे बाबा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपस में जो इंटरचेंज हो रहा है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता है। कंपनी की ही कैश, कंपनी के ही कैश इक्विवेलेंट, कंपनी की कैश, कंपनी का ही बैंक, आपस में जो हो रहा है ना वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? इससे कोई आपके कैश फ्लोस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों देखते हैं। सर ले लो ना, आएगा ना? चलो ठीक है, लो 10 करोड़ कैश कम हो गई, कैश 10 करोड़ से बैंक बढ़ गया, क्योंकि हम लोग यहां पे कैश, बैंक, कैश इक्विवेलेंट सब देख रहे हैं, तो अल्टीमेट इफेक्ट जीरो। एक सवाल और पूछ रहा हूं, कैश और कैश इक्विवेलेंट के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो सारी एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कवर नहीं होती। लॉजिक, अपने ही एक पॉकेट से अपने ही दूसरे पॉकेट में, अपने जेब से अपने पॉकेट, वॉलेट के अंदर में, वॉलेट से जेब में,
वॉलेट के अंदर में बाहर के खन में से पैसा निकाल के अंदर के जेब में रख रहे, बोलो कोई एक्टिविटी रहेगी क्या ये? नो। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, दिया हुआ है नोट्स में, दिया है पढ़ना है बेटा आपने। अच्छा ये जो इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इतना डिटेल में नहीं है, बट ये नोट्स आपने डिटेल में पढ़ना। ये चैप्टर के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नोट्स ही पढ़ो, सिर्फ मॉड्यूल मत पढ़ना, समझ में आ रहा है बेटा? ये नोट्स आपने पहले करना है, टाइम मिला तो फिर मॉड्यूल करना, डन। चलो बेटा आगे। सो ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एक्टिविटी का आपको मतलब समझ में आया सभी को? कैश फ्लो स्टेटमेंट में करना क्या है, बस आपके बिजनेस की सारी एक्टिविटी को ये तीन पार्ट में डिवाइड कर देना है। अच्छा देखो तो जरा, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का रफ फॉर्मेट बता रहा हूं, एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, रफ फॉर्मेट सिर्फ समझने के लिए। पहले रफ समझ में आ गया तो फिर डिटेल 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 धीरे 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 जाएंगे, तो दो पेज का फॉर्मेट बनाएंगे। पहले वो दो पेज को चार लाइन में बताता हूं है क्या, तो आपके दिमाग में बर्ड आई व्यू आ जाएगा। देखो अच्छे से ध्यान देना, ये ऐसा सीरियल नंबर पर्टिकुलर अमाउंट इनर कॉलम आउटर कॉलम, ठीक है? सिर्फ देखो बोर्ड पे ध्यान दो बस, ये इनर कॉलम ये आउटर कॉलम, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये जो भी पीरियड का है वो पीरियड के लिए, ठीक है? सर ये फॉर्मेट फिक्स है क्या? हाँ, कहाँ दिया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में। सर इस फॉर्मेट में छेड़खानी कर सकते हैं क्या? ना, ज्यादा नहीं, हल्का सा, सब्जी में नमक के बराबर। देखो ध्यान देना, सबसे पहले यहां पे लिख लेता हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सब यहां पे आ जाएगा, कैश आई तो प्लस, गई तो माइनस, बराबर है क्या? आउटर कॉलम में नेट आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम, लिखने की जरूरत नहीं है, अरे आप लोगों को काफी सारे सम सॉल्व करने तो अपने आप याद हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, अगेन आई तो प्लस, गई तो माइनस, आउटर कॉलम में नेट आ जाएगा क्या? हाँ या ना? उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी, सर सिक्वेंस ये रखना है? हाँ, सिक्वेंस चेंज नहीं करना है अपने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 ने यही सिक्वेंस प्रिस्क्राइब किया है, तो आप चेंज नहीं करोगे सिक्वेंस को। एग्जाम में अगर करेक्ट सिक्वेंस का एमसीक्यू आया, पहले क्या आता है? फाइनेंस इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग, रॉन्ग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, करेक्ट। उसके बाद ये सब कर दिया, इसका नेट आ जाएगा यहाँ पे, बरोबर है बच्चों? प्लीज ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस आ सकता है क्या? हाँ या ना? सोच समझ के जवाब देना। यहां पे माइनस आ सकता है क्या? कहीं पे भी माइनस आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। हो सकता है हमने इस बार इन्वेस्टमेंट बाय ही बाय किया, सेल किया ही नहीं ज्यादा, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में मैक्सिमम आउटफ्लो ही है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये सबका प्लस माइनस करके जो नेट इफेक्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेट, नेट, नेट चेंज, चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। मान लो आपको समझाने के लिए था ये 10, ये था आपका -6, ये था आपका -1, बोलो बेटा नेट कितना आया? नेट यहाँ पे 3, मतलब इस पीरियड में नेट कैश का इनफ्लो है सारी एक्टिविटी मिला के 3, और इस पीरियड के स्टार्टिंग में कैश कितना था? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको समझाने के लिए 4। ये पीरियड जब शुरू हुआ तब ओपनिंग कितना था? 4, और इस पीरियड में कितना नेट इनफ्लो था? 3, तो आखिरी में कितना होना चाहिए? तो ये जो है ना आपका 7, ये क्या रहेगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7। इसको आपने क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी ना उसके असेट साइड में अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 7 है तो आपका सम करेक्ट है, नहीं तो गलत हो गया। जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमको समझ में आ जाता था तब के तब, ड्यूरिंग द पीरियड कितना आया? 3। आज मम्मी ने कितनी रोटियां बनाई? 3। कल रात के डब्बे में ऑलरेडी कितनी पड़ी थी? 4। ओपनिंग कल रात की क्लोजिंग यानी आज की ओपनिंग, तो बोलो आज डब्बे में कितनी पड़ी रहनी चाहिए? 7। तो आज का जो क्लोजिंग है वो 7 बैलेंस शीट के साथ अगर मैच हो जाता है तो आपका सम करेक्ट है, नहीं तो गलत हो गया। सिंपल मैथ्स, कॉमन सेंस, हाँ या ना? ये फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट बहुत सिंपल वे में लिखा है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसी को डिटेल वे में स्टडी करेंगे। एक 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 एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन, एक 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 के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन और प्रैक्टिकल दोनों भी आएंगे इसमें। थ्योरी क्वेश्चन कैसे? जो अब तक हम लोग पिछले आधे घंटे से डिस्कस कर रहे हैं वो सारे। चलो बेटा अब आपके पास नोट्स है, सभी के पास नोट्स पे आ जाओ।
ओके बच्चों फटाफट से ध्यान देना, चैप्टर में क्या क्या पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें यहां पे दी है बेटा। देन मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब लोग साथ में रहे बेटा, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो बच्चों ध्यान देना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? ए बच्चों ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलो बोलो, स्टेटमेंट ऑफ, मेरे साथ बोलो ना ये वर्डिंग बोलो, आपको एमसीक्यू आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर इससे क्या समझ में आता है? अरे नेट चेंज अभी समझ में आता है, हमने देखा ना नेट चेंज क्या था, प्लस थ्री। अभी जो मैंने डमी एग्जाम्पल लिया था उसमें नेट चेंज क्या था, प्लस थ्री, दैट इज कॉल्ड एज नेट चेंज फ्रॉम ऑल ऑफ दी एक्टिविटीज। और ओपनिंग कितना था, फोर, तो क्लोजिंग कितना आना चाहिए, सेवन, अभी जो डमी एग्जाम्पल लिया था। तो इससे नेट चेंज समझ में आता है, ठीक है। आगे इट शोज ऑपरेटिंग, बोलो ना, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो कितना हुआ। नेट वर्ड को अंडरलाइन करना, सर नेट क्यों, इनफ्लो आउटफ्लो का नेट फिगर। सो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी समझ में आता है, हाँ या ना। और उसके बाद लास्ट में उस नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी समझ में आता है। सर ये नेट चेंज क्या है? अरे कुछ नहीं रे, ऊपर के तीनों एक्टिविटी का नेट इफेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? और ये ही दो इसके ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर वन और ऑब्जेक्टिव नंबर टू। नहीं ना सर, चार ऑब्जेक्टिव कर दिया तो चलेगा क्या? चलेगा। मैंने क्या बोल दिया, ऊपर के तीनों को एक साथ, नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, इसको एक ही पॉइंट बना दिया, पहला ऑब्जेक्टिव। और दूसरा ऑब्जेक्टिव नेट चेंज भी समझ में आ जाएगा, नेट चेंज समझ में आएगा ड्यूरिंग द पीरियड, और कुछ नहीं है सर। ये दो नहीं, एक ही ऑब्जेक्टिव है, चलेगा, एक ही ऑब्जेक्टिव बोल दो, चार बोलो, दो बोलो, एक ऑब्जेक्टिव बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अल्टीमेटली कहना क्या चाहते हो, इससे हमें यह समझ में आएगा कि नेट चेंज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ड्यू टू ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एक्टिविटी। सर नेट चेंज तो कैश और बैंक अकाउंट से भी समझ में आ जाता है, कैश अकाउंट ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, और बीच में जो कुछ दिख रहा है वो सब नेट चेंज है, हाँ उससे भी समझ में आता है, लेकिन वो खिचड़ी है, उससे आपको ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंस समझ में नहीं आएगा। इससे आपको समझ में आएगा कोई एंटरप्राइज का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे देखो बेटा, मेरे पास 10 करोड़ रुपए कैश पड़ा है, लेकिन जब मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया तब समझा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 0 कैश फ्लो है, और फाइनेंस एक्टिविटी से बैंक से लोन लिया था, बैंक से लोन लिया, लोन लेना ये फाइनेंस एक्टिविटी है, शेयर्स इशू करना फाइनेंस एक्टिविटी है, फिर से मार्क माय वर्ड, लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन, फाइनेंस एक्टिविटी। सो मेरे पास 10 करोड़ कैश है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया तब मुझे समझा कि ये फाइनेंस एक्टिविटी की वजह से आया है, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, बैंक से लोन लिया, फिर 10 करोड़ का कैश आया, कोई मतलब वाली बात है क्या? लोन छे सेल नहीं है, अगर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रिसीट होती तो मजे वाली बात थी, पार्टी करते, लेकिन लोन लेके जो रिसीट आया कोई मतलब वाली बात नहीं। सो आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस समझ में आएगा क्या, जो कि कैश बैंक अकाउंट से समझ में आएगा, लेकिन आपको डिटेल में एक एक आइटम को देखना पड़ेगा, छानबीन करनी पड़ेगी। यहां पे आपको रेडीमेड मिल जाएगा क्लासीफाई करके, हाँ या ना, ये इसका फायदा है, ये सब इसके क्या है, एडवांटेजेस है। सर एडवांटेज क्या है, आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। सर क्लासिफिकेशन से क्या कर लोगे, कंपैरिजन कर लेंगे, किसका, हमारा ही दो परेड का या सेम परेड का, दो अलग अलग एंटिटी का। सो कंपैरिजन करने में आसानी हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, इवेल्युएट कर पाओगे आपका कैश परफॉर्मेंस, आपका कैश परफॉर्मेंस कैसा है इवेल्युएट कर पाओगे। अगर फ्यूचर में आपको कोई कैपिटल बजेटिंग रिलेटेड डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा बेटा सभी ने, कैपिटल बजेटिंग रिलेटेड डिसीजन आएगा एफएम में, या कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड डिसीजन लेना है, या डिविडेंड पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन लेना है, डिविडेंड देना है नहीं देना, तो उसके लिए क्या लगती है दोस्तों, कैश। और कैश की पोजीशन कौन बताएगा, एग्जैक्ट पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हजारों फायदे, समझ में आ रहा है क्या, फायदे भी हम लोग देखेंगे, फटाफट से ध्यान देना। कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉट अ सब्स्टिट्यूट, पर इतना करने के बाद में भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। रीजन चाहिए मुझे एक वर्ड में, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपको इनकम स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग पीएनएल बनाने की जरूरत नहीं है। क्या रीजन है बेटा इसके पीछे,
वेरी गुड बेटा, इसमें सिर्फ कैश आइटम कवर हो रहा है, नॉन कैश आइटम इसने कंसिडर ही नहीं किया, और इनकम एक्सपेंस में कैश नॉन कैश यानी अक्रूअल कौन से फॉलो करता है, दोनों भी आइटम आएंगे। उसके बाद आगे नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर बैलेंस शीट और पोजिशनल स्टेटमेंट। आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हिस्टोरिक इन नेचर, हिस्टोरिक इन नेचर, जो हो गया इतिहास उसी को लिख रहे, अलग फॉर्मेट में, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे, बट फिर भी जरूरी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल, सॉरी कैश परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। चलो आगे, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमने देख लिया, देखो बेटा वही ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंस 1, 2, 3 और ये फोर्थ, ऊपर हमने जो चार पॉइंट देखे बेटा वही है क्या चार पॉइंट, यही ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद यूजेस और एडवांटेजेस, सबसे पहले एडवांटेज बेटा, इसमें एमसीक्यू आपको ऐसा आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एडवांटेज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, फटाफट से देख लो, इट फैसिलिटेट टू असर्टन, असर्टन का अर्थ होता है पता लगाना, टू असर्टन मतलब टू फाइंड आउट, टू नो पता लगाना, ठीक है, टू फाइंड आउट द नेट कैश फ्लो वो तो मालूम ही था इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं, टू इवेल्युएट द कैश फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैश परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर पाएगी कैसे, मतलब कंपनी की कैश परफॉर्मेंस, कंपनी की औकात रिलेटेड टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहां से समझ में आएगा इससे, और टोटल औकात कहां से समझ में आती है बैलेंस शीट से, कैश परफॉर्मेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट से, एडवांटेज है बेटा। सर इससे कैसे समझ में आएगा, देखो बेटा कंपनी ने मेन ऑपरेशन से कितना पैसा कमाया, इन्वेस्टमेंट सेल करके या इन्वेस्टमेंट खरीद के कितना पैसा आया गया, फाइनेंस से कितना आया गया, ये सारी चीजें कहां समझ में आएगी इसी से, तो उसी से हम लोग जज करेंगे इस बार डिविडेंड देना है नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदना है नहीं खरीदना है, एक्सपेंशन करना है नहीं करना है, मतलब मैनेजमेंट को जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेना है। सर आपने शॉर्ट टर्म वर्ड यूज किया, हाँ मैंने लॉन्ग टर्म डिसीजन वर्ड यूज नहीं किया, कैश है तो आप शॉर्ट टर्म डिसीजन कैश के भरोसे ले सकते हो, लॉन्ग टर्म डिसीजन जब भी आप लेते हो तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं देखना है, आपको अब सुनना शब्द फंड, फंड फ्लो स्टेटमेंट देखना है। फिर से बोलो, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। सर क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, डोंट वरी नेक्स्ट लेक्चर में फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करूंगा, आज फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप दोनों भी कंफ्यूज हो जाओ, समझ में दोनों में। सो लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट देखते हैं, फंड फ्लो, शॉर्ट टर्म डिसीजन देखना है तो कौन सा देखेगा, कैश फ्लो। सर रीजन ऐसा क्यों, मुझे एक बात बताओ, देखो बेटा ध्यान देना, आपको अभी यहां से लेक्चर में ब्रेक होने के बाद में आपको नीचे चाय पीने के लिए जाना है, तो मुझे एक बात बताओ आप जेब में हाथ डालते हो सबसे पहले, या ये सोचते हो मैं फ्यूचर में सीएस बनने के बाद पैसा कमाऊंगा फिर चाय पीने जाऊंगा, पहले जेब में हाथ डालते हो, मतलब आप कैश पोजिशन देखते हो फ्यूचर की पोजिशन नहीं देखते हो, अगर चाय पीने नीचे जाना है कितना लगता है चाय के लिए, 25 रुपए, सॉरी 5 रुपए, समझ में आ रहा है, चाय के लिए कितना लगेगा 5 रुपए, समझ में आ रहा है। तो आप शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए क्या देखते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और लॉन्ग टर्म डिसीजन फ्यूचर में मुझे बंगलो लेना है तो उसके लिए आप जेब में हाथ नहीं डालते हो, उसके लिए आप सोचते हो कि फ्यूचर में मैं कितना कमाने वालों। सो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अपना ये कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए एमसीक्यू, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग बेटा आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये बात समझ में आ रही सभी को, सिंपल है। चलो आगे, उसके बाद बेटा देन इट फैसिलिटेट टू इवैल्यूएट द कैश फाइनेंशियल पोजिशन, वेरी सिंपल, देन इफिशियंट कैश मैनेजमेंट भी हो जाएगा किससे, यस यस सर, आपका लेक्चर अभी बेटा 2 मिनट सिर्फ, 2 मिनट, हाँ 2-5 मिनट, कैश मैनेजमेंट कैसे हो जाएगा बेटा इससे, जिस किसी चीज पे आपकी नजर होती है ना आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो, चाहे फिर वो इम्पर्सन हो चाहे पर्सन हो, किसी भी चीज के ऊपर, जैसे विकास सर मेरे ऊपर काफी बार नजर रखते, समझ में आ रहा है क्या, हरीश तू टाइम पे आ रहा है क्या, हरीश लेक्चर के अलावा तू क्लास में ध्यान दे रहा है क्या, तो किसी भी चीज पे अगर आपकी नजर रही तो आप उसे ठीक से मैनेज कर सकते हो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के जरिए आपकी नजर है क्या कैश के हर एक आइटम के ऊपर, और वो कैश कौन से एक्टिविटी की वजह से आ रहा है, मैनेजमेंट भी आसानी से हो जाएगा, फटाफट से देखो बेटा आगे के पढ़ पढ़ की समझ में आ जाएगी, इट फैसिलिटेट द कंपैरिजन, देन कंपैरिजन सेम एंटिटी का दो अलग अलग प्लेट का, या सेम इंडस्ट्री में दो अलग अलग एंटिटी का, सर दो एंटिटी का अलग अलग एंटिटी का हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे आएगा, ये कोई कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड थोड़ी है जो नहीं आएगा,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है तो ये हमारे पास आ सकता है। समझ में आ रहा बेटा सभी को? गूगल जाकर भी आप कर लो। हाँ, कॉस्टिंग रिकॉर्ड, जब हम लोग कॉस्टिंग पढ़ेंगे तब बताऊंगा। कॉस्टिंग रिकॉर्ड ये कॉन्फिडेंशियल है, जैसे रतन टाटा साहब ने नैनो कार के लिए कितनी कॉस्टिंग, कौन कौन से पार्ट के लिए क्या क्या है, उसका कॉस्ट शीट वो किसी के हाथ में नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है। इतनी सस्ती कैसे बनी गाड़ी? लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग दो एंटिटी का या सेम एंटिटी का अलग अलग पीरियड का परफॉर्मेंस कंपैरिजन करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी मदद ले सकते हैं। कौन सा परफॉर्मेंस? कैश फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फटाफट से ध्यान देना, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में भी आपको काम आएगा। जब आप एफएम पढ़ोगे तो वहां पे फिर से आएगा बेटा। कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड डिसीजन अगेन जब एफएम पढ़ोगे तो फिर से आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड डिसीजन, डिविडेंड देना नहीं देना, शेयर इशू करना नहीं करना, बायबैक करना नहीं करना, रिडीम करना नहीं करना, है ना, बैंक से लोन लेना नहीं लेना, एंड प्लानिंग में भी हेल्प हो जाएगी, एंड आंसर टू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके पापा वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है? पापा वाले, है ना। जैसे विकास सर के पापा विकास सर को पूछते, धंधा कर रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, पैसा किधर है? देखो पहला सवाल वही छे। देखो बेटा, वाई कैश हैज बीन डिक्रीज, विक्की तेरी कैश किधर जा रही है? दो, देर इज अ नेट इनकम, नेट इनकम होने के बावजूद भी कैश किधर जा रही है? ऐसे कौन से खर्चे है तेरे जो इनकम तो है लेकिन कैश नहीं दिख रही है? समझ में आ रहा है क्या? और मेरे पापा मुझे पूछते, बेटा कैश कहां से आ रही है? तेरा तो नेट इनकम भी नहीं है, लॉस चल रहा है, तो ऐसा क्या कर रहा है तू कि कैश आ रही है तेरे पास? तो सारे पापा वाले क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर में। तो ये सारे सवालों के जवाब कौन देगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन देगा बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। फटाफट से एक एक सेकंड में देख लो, यानी कि यहाँ पे हाउ इट वॉज पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, डिविडेंड देना है तो कैसे देंगे? मैनेजमेंट सवाल पूछेगी तो अकाउंटेंट या जो भी फाइनेंस मैनेजर रहेगा वो क्या बोलेगा? रुको सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के बताता हूँ। डिविडेंड कहां से देंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेगा, ये हमने देख लिया। देन व्हाट हैपेंड टू द प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ लैंड, लैंड बेच दी, इतना पैसा आया, गया किधर? समझ में आ रहा है क्या? तो वो भी कौन बताएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लैंड बेच दी, पैसा आ गया और उससे हमने शेयर्स खरीदा, लैंड बेच दी, पैसा आ गया, शेयर्स खरीदा, बोलो कहां पे आएगी, कौन कौन से एक्टिविटी में आएगा? लैंड बेच दी, पैसा आ गया, शेयर्स खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट। कुछ बच्चे सोच रहे सर ये कहीं नहीं आएगा, सुना नहीं आपने ठीक से, लैंड बेच दी, पैसा आ गया तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इनफ्लो, दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आउटफ्लो। इसी को थोड़ा चेंज करके बताता हूं, लैंड बेच दी, बदले में शेयर्स मिले, आएगा ही नहीं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन से। एक एक शब्द का गेम है पूरा, डन। उसके बाद लास्ट में बेटा, एंड व्हाई डिड द फर्म रिसोर्ट टू द लॉन्ग टर्म बोरोइंग इन स्पाइट ऑफ लार्ज प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट होने के बावजूद भी लोगों से उधारिया ले रहा है, कोई मतलब वाली बात है क्या? उसके बाद ये सारे सवालों के जवाब, एंड व्हाई डिड द फर्म इशू न्यू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, न्यू शेयर्स क्यों इशू करना है, एंड हाउ वाज द रिटायरमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट, यानी इतना लंबे लंबे लोन लेकर के रखे उसका पेमेंट कैसा करोगे? तो उसके लिए भी हम लोग क्या देखने वाले हैं? कैश फ्लो। बट यहाँ पे हम लोग कैश फ्लो से ज्यादा अच्छा क्या देखते हैं बेटा? फंड फ्लो स्टेटमेंट। डिटेल में फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच मंडल आभारी। ले बेटा बंद कर, घर जाके पढ़ना बेटा, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, जैसे हाथ नीचे कर दो बेटा, डन।